राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा। लगातार हड़ताल के चलते कर्मचारी अपने कार्य पर नहीं लौटे। दरअसल वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ द्वारा रखी गई है हड़ताल। हड़ताल के कारण जयपुर शहर में लगने लगे हैं कचरे के ढेर। गुलाबी शहर गंदगी से बदरंग होता नजर आया। अलग अलग इलाकों में कचरे के ढेर पर आवारा पशुओं का जमावड़ा नजर आने लगा। प्रदेश में चांदी व्यवसाय ने भी दस्तक दी है। ये राज्य सरकार को गंभीरता से लेने का विषय है, जिसके चलते गंदगी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, मौसमी बीमारियां आदि उत्पन्न होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना गंभीर विषय है। वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की मांग रखी गई है कि वह सफाई कर्मचारियों की भर्ती मिस्टोल के आधार पर की जाए। वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। पूर्व की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिन पर निर्णय हो चुका है, उनमें राज्य सरकार की ओर से नियुक्त आदेश जारी किए जाए। कल हुई थी सफाई कर्मचारियों और DLB के बीच वार्ता। वार्ता में नहीं बनी सहमति, हड़ताल जारी रखने का ऐलान। उधर गैर वाल्मीकि समाज से सफाई कर्मी नहीं हड़ताल में शामिल। वहीं कार्य के बहिष्कार के चलते नहीं लग पाएगी शहर में झाड़ू। कार्य बहिष्कार के चलते नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की दोनों निगमों में सफाई की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के, राजधानी जयपुर के आप रामगंज इलाके के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहां पशुओं का एक जमावड़ा लगा हुआ है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कचरा पड़ा हुआ है उठाने के लिए। और जो स्ट्राइक चल रही है अभी वाल्मीकि समाज की ओर से, आप दो दिन तक स्ट्राइक चल रही है और आज भी स्ट्राइक रहेगी। और वहीं बात की जाए उनकी वार्ता को लेकर, तो राज्य सरकार से उनकी वार्ता पूरी तरीके से विफल होती हुई नज़र आ रही है। हम आपको जानकारी दे देते हैं, पूरा शहर कचरे में लीन नज़र आ रहा है। हमने अलग अलग इलाकों में जाकर और पूरे मुआयना किया और मौके पर पहुँचे, कहीं कूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं तो कहीं पशुओं के ढेर लगे हुए हैं। और वहीं बात की जाए गंदगी की, तो गंदगी का सवाल बहुत बड़ा हमारे जहन में भी आ रहा है। हम आपको बता देते हैं, राजस्थान के अंदर चांदी जैसा वायरस जो कि प्रदेश के अंदर सारे इलाकों के अंदर करीब करीब कुछ इलाकों के अंदर फैल चुका है, और उस बीमारी की वजह से, उस वायरस की वजह से कई बच्चे उसकी चपेट में आ चुके हैं, और चपेट में आने के कारण उनकी मौतें भी होती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। और वहीं बात की जाए वाल्मीकि समाज की ओर से जो उनका बड़ा मुद्दा रखा गया है नौकरी को लेकर और कई पदस्थापन को लेकर, जहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे जो पदस्थापन को लेकर जो उनका मुद्दा रखा गया है, उन वार्ताओं को लेकर कहीं ना कहीं वो विफल होती भी नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि वो वार्ता अब कब सफल होगी, और कल या फिर परसों या चार दिन बाद में या दो दिन बाद में कब वापस वाल्मीकि समाज अपने कार्य की ओर लौटेंगे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका जयपुर।